दोस्तों, हम करोड़ों रुपए तो कमाना चाहते हैं पर करोड़ों वाली मेहनत करने से डरते हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास आपको सफलता के करीब ले जाता है, पर हम शुरुआत करने से डरते हैं। कई सफल लोगों ने भी कहा है कि आसमान तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां जरूरी है, और आज की हमारी कहानी ऐसे ही शख्स की है जो जूनियर इंजीनियर से L&T जैसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन बने। इनका नाम है अनिल मणि भाई नायक, जिनके लीडरशिप और मेहनत के कारण ही L&T तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी बनी। अनिल मणि भाई नायक का जन्म 9 जून 1942 में गुजरात के इंधर गांव में हुआ। उनके परिवार में लगभग हर कोई टीचर था। उनके ग्रैंडफादर गुरुकुल के हेडमास्टर थे। आगे परिवार में यही परंपरा कायम रही और उनके बेटे के बेटे भी टीचर बने। एक ही परिवार में करीब 20 लोग टीचर थे। इसी की वजह से उन्हें गुजराती में मास्टर कुटुंब यानी फैमिली ऑफ टीचर्स के नाम से जाना जाता था। अनिल के पिता मणि भाई नायक मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाया करते थे। अनिल का परिवार गांधी जी के विचारों में विश्वास रखता था। गांधी जी कहा करते थे, हिंदुस्तान शहर में नहीं पर गांव में बसता है। और इसी के चलते जब मणि भाई के गांव में स्कूल की शुरुआत हुई, तब मणि भाई को स्कूल का प्रिंसिपल बनने के लिए इनवाइट किया गया। मणि भाई ने एक पल भी नहीं सोचा और बम्बई जैसे शहर को छोड़कर सन 1952 में गांव चले आए। आगे मणि भाई ने अपनी पूरी जिंदगी गांव के बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत की। अनिल भी उसी स्कूल में पढ़े जहां उनके पिता प्रिंसिपल थे। गांव का स्कूल बहुत छोटा था, इसलिए वह SSC एग्जाम का सेंटर नहीं था। इसलिए अनिल को SSC एग्जाम देने पास के शहर बिलमोरा जाना पड़ता था। बिलमोरा में कुछ मूवी थिएटर्स थे। अनिल को फिल्मों से इतना लगाव हो गया था कि वह एग्जाम देने के साथ साथ हर दिन मूवी देखा करते थे। यहाँ तक एक दिन उनका परिवार उनको ढूंढते ढूंढते मूवी थिएटर तक आ पहुंचा था, जिसके बाद मणि भाई ने अनिल का एडमिशन वल्लभ विद्यानगर में करवा दिया, जहाँ पे कोई भी मूवी थिएटर नहीं था। पर वल्लभ विद्यानगर के एक तरफ अहमदाबाद था तो दूसरी तरफ बड़ौदा, जिसके चलते अनिल ने एक साल में 105 मूवीज देखी। आगे चलकर अनिल 1958 में बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए। दोस्तों, अब अनिल की जिंदगी बदलने वाली थी। अब वो स्टूडेंट नहीं रहे थे। कुछ समय गांव में बिताने के बाद वो अपने पापा की चिट्ठी लेकर बम्बई गए। उन्होंने वो चिट्ठी अपने पिता के दोस्त बीरेन जय शाह को दी। बीरेन जय शाह मुकुंद आयरन एंड स्टील वर्क्स में काम करते थे। वहाँ एक मैनेजर ने अनिल का इंटरव्यू लिया। मैनेजर ने इंटरव्यू के अंत में उन्हें कहा कि अपनी इंग्लिश को सुधारने में काम करो, जिसके बाद अनिल अपनी इंग्लिश को सुधारने में जुट गए। उसी समय उन्होंने नेस्टर बॉयलर्स के बारे में सुना था। वहाँ भी जॉब एप्लीकेशन दी और वहाँ पे उनकी किस्मत अच्छी रही, उन्हें जॉब मिल गई। वहाँ पे वो कुछ समय में ही वर्कशॉप सुपरवाइजर बन गए। नेस्टर बॉयलर्स कंपनी पारसी परिवार द्वारा चलाई जाती थी, जिसमें कुछ समय बाद ओनरशिप को लेकर बदलाव हुए और कई लोगों के साथ अनिल को भी जॉब छोड़नी पड़ी। वो कुछ ही समय में फिर से जॉबलेस हो चुके थे। जॉब की तलाश करते हुए अनिल एक दिन लार्जर एंड टूब्रो के एडवर्टाइजमेंट देखी। जॉब के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो अनिल के पास था। उन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया। वो L&T में इंटरव्यू देने गए। मिस्टर बेकर ने अनिल का इंटरव्यू लिया। लगभग आधे घंटे चले इंटरव्यू के बाद उन्होंने अनिल को 760 रुपये सैलरी और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के साथ जॉब ऑफर की। यह ऑफर अनिल ने मान ली। मिस्टर बेकर ने कहा कि तुम्हें जॉब के लिए एक और सीनियर से मिलना पड़ेगा, और वो उन्हें मिस्टर हैंसमैन के पास लेकर गए। मिस्टर हैंसमैन ने अनिल से कई सारे सवाल पूछे और साथ में पूछा कि तुम्हें पुरानी कंपनी में कितने लोग रिपोर्ट करते थे। तब अनिल ने कहा कि उन्हें 350 लोग रिपोर्ट करते थे। मिस्टर हैंसमैन ने कहा कि यह तो अच्छी बात है कि तुम्हें 350 लोग रिपोर्ट करते थे, पर लार्जर एंड टूब्रो में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोस्ट शायद सालों तक ना मिले। जिस पर अनिल ने कह दिया कि यह तो समय ही बताएगा कि उनको कितने लोग रिपोर्ट करेंगे और कैसी पोस्ट मिलेगी। मिस्टर हैंसमैन को यह बात बुरी लगी। उन्होंने अनिल को बाहर जाने के लिए कहा। अंदर मिस्टर हैंसमैन और बेकर की बात हुई और थोड़ी देर बाद उन्होंने अनिल को अंदर बुलाया। मिस्टर बेकर ने कहा कि मिस्टर हैंसमैन को लग रहा है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो और तुम्हारी सैलरी 760 नहीं पर 670 कर दी गई है और पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर की बजाय जूनियर इंजीनियर दी गई है। मिस्टर बेकर और अनिल हैंसमैन के ऑफिस से बाहर आए। मिस्टर बेकर थोड़े निराश थे। अनिल ने उनसे कहा कि आप बिल्कुल निराश न होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अनिल ने जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के साथ लार्जन एंड टूब्रो ज्वाइन कर लिया। उनका काम ऐसा था कि उन्हें 6 महीने के अंदर जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया।
और आगे एक के बाद एक प्रमोशन मिलते गए। सिर्फ 18 महीने के जॉब के बाद उन्हें वर्कशॉप इंचार्ज बना दिया गया। उन्हें 350 नहीं पर 800 वर्कर रिपोर्ट करने लगे। अनिल का बिहेवियर नेचर ही कुछ ऐसा था कि मात्र 2 साल में हर कोई उनकी इज्जत करने लगा। अनिल भी हर छोटे बड़े की कद्र करते थे। आगे चलकर अनिल की शादी गीता नायक से हुई। गीता नायक का कहना है कि अनिल ने अपनी पहली लाइफ उन्हें न चुनते हुए हमेशा ही एलएनटी को चुनी है। अनिल अपना सारा समय एलएनटी को दे रहे थे, परिवार के लिए उनके पास समय नहीं रहता था। दोस्तों, ऐसी लगन और मेहनत से अनिल इस कंपनी के सबसे यंग मैनेजर बने। एलएनटी में रैंक सिस्टम चलाया जाता था, जिसके चलते मात्र 10 साल में अनिल ने वो रैंक हासिल कर लिया, जिससे उन्हें 1985 में जनरल मैनेजर बनाया गया। इसके मात्र 4 साल बाद 1989 में वो वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर बने। अनिल ने अपनी सोच और विजन से एलएनटी को हमेशा आगे बढ़ाया। सन 1995 में उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया और फाइनली 1999 में वो लार्सन एंड टुब्रो के सीईओ और एमडी बने। अब भी एक आखिरी मुकाम अनिल भाई के लिए बाकी था और वो था ग्रुप चेयरमैन का। एज अ सीईओ और एमडी 4 साल काम करने के बाद उन्होंने साबित कर दिखाया कि उनकी लीडरशिप इतनी मजबूत है कि वो एलएनटी पर आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, जिसके चलते उन्हें सन 2003 में फाइनली एलएनटी ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। ये एलएनटी के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई ऐसा शख्स चेयरमैन बना जिसने एलएनटी को एज अ जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किया हो। उन्होंने अपनी लीडरशिप में एलएनटी को हमेशा आगे बढ़ाया, साथ ही कई और क्षेत्रों में भी एलएनटी का एक्सपांशन किया। दोस्तों, अनिल नायक की लीडरशिप तो स्ट्रांग है ही है, पर उसके साथ साथ उन्हें इस देश और समाज का भी पूरा ख्याल है। उन्होंने 2016 में ये अनाउंसमेंट किया कि वो अपनी संपत्ति का 75% हिस्सा भारत के हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग में लगाएंगे, जिसके चलते उन्होंने एजुकेशन के लिए नायक चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए नायक ट्रस्ट फॉर हेल्थ केयर की शुरुआत की है। आज वो एलएनटी की जिम्मेदारियों से अलग हो चुके हैं और अपनी पत्नी गीता और अपने 2 बच्चों के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें 2009 में इंडिया के 3rd हायर सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण और 2019 में 2nd हायर सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा गया है। इन सब के अलावा अनिल नायक को बिजनेस जगत में ढेर अवार्ड्स मिल चुके हैं। दोस्तों, अनिल मनी भाई नायक की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल बायोग्राफीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।